Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sun Nonstop. It's me guys, Sri Sanvi, and you are watching Sun Nonstop. So guys, again I'm back with another amazing video. और 1971 की वॉर के ऊपर मैंने रिएक्शन वीडियो बनाई थी, एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है, और उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा. जब मैंने वो वीडियो बनाया तो उसके बाद जो है ना, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वो वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया. आप जो है वो खान सर की वीडियो लेके आए, उसके अंदर हर चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है. 1971 की वॉर जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान हुई थी, तो मैंने कहा कि ठीक है, काफी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने कहा कि वाई नॉट, मैं खान सर की भी वीडियो देख लेती हूँ. और कुछ लोगों के अंदर बुरे कमेंट भी आए थे कि मतलब मैं अब उनको क्या ही एक्सप्लेन करूँ, आप लोग जाके जरूर देखिएगा. और कुछ लोग सपोर्ट भी करते हैं, अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, तो उनके लिए बिग थैंक यू, बिग हार्ट, बिग रिस्पेक्ट गाइस. और फटाफट से खान सर की वीडियो स्टार्ट करते हैं. और मैं साथ साथ भी अपनी जो मेरा एक ओपिनियन होगा इस चीज के ऊपर, मैं साथ साथ भी एक्सप्लेन करूंगी, और लास्ट में भी मैं हर चीज को जो मेरे ओपिनियन मेरे माइंड के अंदर आएगी मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगी. टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, मैं जो मुझे सच में जो कुछ इसके अंदर लगेगा मैं वही चीजें बोलूंगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ठीक है. अगर कहीं पे मुझे लगा कि पाकिस्तान की गलती है तो ऑफकोर्स मैं उसके बारे में भी बोलूंगी, और अगर कहीं लगा इंडिया की गलती है तो ऑफकोर्स उसके बारे में भी बोलूंगी. तो फिर वैसे वीडियो करते स्टार्ट, लेकिन इससे पहले गाइज, अगर आप लोग ने मेरे चैनल पर अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, पहले फटाफट से जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग है वीडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब करना शायद भूल जाते हैं. लेकिन आप लोगों को मैं याद करवा दूं यार, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है जनाब, कदी ते प्यार वहा दिया करो अपना सब्सक्राइब करके. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस. जय हिंद. सबसे पहले एक वार्निंग भैया, पाकिस्तान के लोग इस वीडियो को ना देखे तो ही अच्छा है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे हमारे भारत के वीर सिपाहियों ने, दो सैनिकों ने मिलकर पाकिस्तान के 93,000 फौजियों को घुटने, दो सोल्जर्स इंडिया के और पाकिस्तान के 93,000 जो सोल्जर्स थे, ठीक है. ये लास्ट वीडियो में भी यही था, इस वीडियो में भी यही आ गया, ठीक है. लेकिन वहां पे दो सोल्जर वाकई एक्सप्लेन नहीं किया गया था, और दो सोल्जर कैसे, ये चीज मुझे जो है ना वो कर रही है अंदर से कि यार कैसे दो सोल्जर, ठीक है. तो वो देखते हैं. ने टिका दिया था और दुनिया का सबसे बड़ा हार हुआ था, और भारत के दो सैनिक मारे गए थे लोंगेवाला में. हम इस वीडियो में बताएंगे कैसे PNS गाजी को डुबा दिया गया, ये भी बताएंगे कि चाइना पाकिस्तान का इतना बड़ा दोस्त बनता है लेकिन 1971 में क्यों नहीं बचा पाया, ना चाइना बचा पाया और ना ही अमेरिका बचा पाया. इस वीडियो में हम A to Z बातें करेंगे. अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो कोई भी पाकिस्तानी की हैसियत नहीं होगी कि आपसे आंखें मिला सके, इसलिए इस वीडियो को देखते रहिएगा. यदि आप राष्ट्रवादी, अगर आप भारतीय हैं तो ही इस वीडियो को देखें, पाकिस्तानी और बाहर के चाइनीज वगैरह लोग इस वीडियो को ना देखें, ये उनके लिए वार्निंग है. क्योंकि इसमें हम भारतीय सेना के हर उस वीर गाथा को बताएंगे जो एक हर भारतीय सुनना चाहता है, A to Z उस बातों को बताएंगे. पाकिस्तानी इस वीडियो को क्यों ना देखें, तो भैया आप देख लीजिए यहाँ क्यों ना देखें, क्योंकि हम आज चर्चा करने वाले हैं इसकी, और इसका नक्शा किससे मैच करता है आप देख रहे हैं. इफ़ यू डोंट बिलीव देन गो ऑन गूगल, भाई किससे मैच करता है तो आप तो समझ में आ गया भाई, बुरा नहीं मानिएगा आप लोग. ध्यान से समझिए, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उसी समय पाकिस्तान दो भाग में था. एक इधर वाला जो एरिया है इसे हम लोग कहते थे पश्चिमी पाकिस्तान, जो मेन पाकिस्तान का एरिया है, और ये जो आज आप बांग्लादेश देख रहे हैं ये बांग्लादेश बांग्लादेश नहीं था, बल्कि ये उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान था. पूर्वी पाकिस्तान के लोग बंगाली भाषा को बोलते थे. पाकिस्तान के लोग इन लोगों को बड़ा भद्दे मजाक करके बोलते थे, कहते तुम लोग गधे हो, कुछ नहीं जानते हो, किसी काम लायक नहीं हो, यूजलेस हो लोग, तुम लोग छोटे हो, काले हो, मतलब उल्टा सीधा मजाक कर रहे थे. पश्चिमी पाकिस्तान के लोग इधर के लोगों को पसंद नहीं करते थे. हो गया नहले पे डाला 1970 में. 1970 में इस पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान चुनाव जीत गए और वो यहाँ के प्रधानमंत्री के पद के चुनाव जीत गए. अब यहाँ की आर्मी ने क्या किया, उनको शपथ नहीं दिला रहे थे, इसलिए 70 के चुनाव जीतने के बाद शेख मुजीबुर रहमान जब देखे कि ऐसा है तो उन्होंने अपना भाषण दिया 7 मार्च को, और कहा कि अब हम इस पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग देश बनाएंगे जिसका नाम रहेगा बांग्लादेश. इस भाषण के वजह से आर्मी ने, पाकिस्तान की आर्मी ने 25 मार्च 1971 को गिरफ्तार करके अब पश्चिमी पाकिस्तान में अरेस्ट करके बंदी बनाकर रख दिया, और यहाँ पर जुल्म करना चालू कर दिया. कहाँ पर भाई, तो पूर्वी पाकिस्तान में इन्होंने जुल्म करना चालू कर दिया. शेख मुजीबुर रहमान के गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ मुक्ति वाहिनी नाम कर एक विद्रोही गुट तैयार हो गया था,
लेकिन पाकिस्तान के, पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने इस पूर्वी पाकिस्तान पे इतना भयानक जुल्म किया कि इस पूर्वी पाकिस्तान में, इस पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने यहाँ पर 30 लाख लोगों को कटवा दिया, 30 लाख लोगों को कटवा दिया। ओह माय गॉड, 30 लाख लोगों को कटवा दिया। ये बात अगर पाकिस्तान लोगों ने किया तो बहुत गलत किया सच में। 4 लाख महिलाओं का बलात्कार कर दिया, अपने देश के 4 लाख औरतों का रेप किया। यहाँ पे इतना भयानक वो दृश्य है कि अगर हम उसको YouTube पे दिखा देंगे ना तो YouTube हमारे ऊपर क्लेम करेगा, भैया आप ये सब इतने भयानक दृश्य नहीं दिखा सकते, आप अंदाजा लगाइए इनकी क्रूरता का। ये अपने देश पर इतना भयानक जुल्म कर रहे हैं, इतना भयानक जुल्म किया इन लोगों ने के शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी के बाद। इस जुल्म का नतीजा ये हुआ कि अप्रैल 1971 तक भारत में यहाँ से लोग भाग के आ गए कि भैया हम जिंदा रहेंगे तब तो, और यहाँ 10 लाख लोग भारत में आ गए शरण लेने के, भैया हमको बचाइए। तो इंदिरा गांधी जानती थी कि जब तक यहाँ शांति नहीं होगा तब तक ये लोग वापस नहीं जा सकते थे, और शांति का एक ही था कि यहाँ पे घुस के इनको मारा जाए ताकि ये पश्चिमी पाकिस्तान वाले लोग यहाँ पर सुधर सके। तो इंदिरा गांधी ने इसके लिए बात की जनरल फील्ड मार्शल मानेकशॉ से, उन्होंने सेना प्रमुख मानेकशॉ से कहा, सैम मानेकशॉ से, कि आप अभी युद्ध कीजिए, हम आदेश देते हैं आप अभी युद्ध कीजिए बांग्लादेश पे, हम अपने पड़ोसियों को इस तरह मरते नहीं छोड़ेंगे, आप इस पे हमला कीजिए। उस समय ये पूर्वी पाकिस्तान था। मानेकशॉ ने कहा कि हम हमला नहीं करेंगे। कही अरे क्यों, कि आप महीना देख रही हैं, अप्रैल का महीना है, अप्रैल के महीने का मतलब बरसात का दिन सर पे है, और बरसात के समय पूरब का हाल क्या होता है, एकदम भयानक बाढ़ आ जाती है। और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि सिकंदर की फौज भी हाथी लेके आई थी और कीचड़ में फंस गई थी, कि अगर यहाँ हम लड़ जाते हैं तो यहाँ बरसात रहेगा, हम यहाँ उलझ जाएंगे, ये एरिया सूखा रहेगा, चाइना का ऊपर से एरिया सूखा रहेगा, ये हमला कर देंगे, हमको तीन ओर से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी से कहा कि आप 2-3 काम कर लीजिए, कब तक के लिए, कि नवंबर तक हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन अप्रैल से नवंबर के बीच में हम अपने सैनिकों को इस एरिया में लड़ने के लिए ट्रेनिंग दे सकते हैं, मुक्ति वाहिनी उसको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। और इसी में 1971 में हमारी जो थी भारत और रूस की एक समझौता पर हस्ताक्षर हो गया। अब हम लोगों ने पाकिस्तान को एक बारूद के ढेर पर बैठा दिया था, इंतजार था तो इस बात का कि उस बारूद में एक चिंगारी की और पाकिस्तान तबाह हो जाता। इत्तफाक देखिए, उस बारूद के ढेर पर खुद चिंगारी जलाई पाकिस्तान ने। कैसे, तो समझिए कैसे। हम लोग का था कि इधर हम लोग ऑफेंसिव हो जाएंगे, मतलब इधर भयानक हमलावर हो जाएंगे, और इधर हम लोग डिफेंसिव रहेंगे, मतलब इधर कम हमला करेंगे, ताकि हम लोग का मेन मकसद पाकिस्तान से युद्ध नहीं था, हमारा मेन मकसद था हमारे अपने बांग्लादेशी भाइयों पर जो जुल्म हो रहा था, जो उनकी बहनों को रेप हो रहा था, इतना भयानक किया था वहाँ पर पाकिस्तानियों ने कि बाप के सामने बेटी का रेप करते थे और उसके बाद बाप को मार के कहते थे तू भी रेप कर, इतना मतलब मानवता पूरी खत्म कर दिया गया वहाँ पर। तो भारत ने कहा कि इधर हम डिफेंसिव रहेंगे। पाकिस्तान को ये खबर लग गई कि भारत ना इधर कमज़ोर है। अरे भैया, इधर हम कमज़ोर थोड़ी हैं, इधर कम सैनिक रखे हैं और इधर हम भयानक रखे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कमज़ोर हो जाएंगे। भैया, कहा जाता है ना कि सोनार के घर का कचरा भी बनिया के बादाम से महंगा बिकता है। देखिए, हम लोग ठंडी का इंतजार ही कर रहे थे कि पाकिस्तान ने गलती कर दिया, उसने 3 दिसंबर को अचानक हमला कर दिया श्रीनगर पर, पठानकोट पर, चंडीगढ़ पर, यहाँ पर आगरा हवाई अड्डे पर तबाहतोड़ हमला कर दिया। एयरफोर्स का इतना भयानक हमला पाकिस्तान का भारत पर हुआ कि भारत देखते रह गया, धड़ पाकिस्तान की जहाजें एंट्री मार गई सब भारत में, उसकी एयरफोर्स एंट्री कर दी। इतना भयानक हमला था, इतना भयानक कि भारत का एक भी सैनिक नहीं मरा। समझ रहे ना कितना भयानक हमला था। अरे भाई, आप यहाँ पर घुस जाएंगे हमारे देश में तो क्या हो जाएगा भैया, मूस मोटैन लोढ़ा हुईन, हाथी घोड़ा थोड़े हुईन। भारत तो इसी का इंतजार कर रहा था। देहात में कहावत कहा जाता है कि रोए के रानी तले अखिए खुद आ गई। भैया, हम प्लाने कर रहे थे कि हमला करने के लिए कि आप हमारे पे हमला करिए दीजिए, अब विश्व का भी दबाव नहीं आएगा हमारे ऊपर कि भैया हमला तो आपने किया है, अब हम लोग छोड़ेंगे नहीं भारत, एकदम दृढ़ निश्चय कर लिया। इसी बीच पाकिस्तान को एक खतरनाक खबर लग गई। क्या थी खबर भाई, तो देखिए, पाकिस्तान को खबर लगी कि भारत की ज़्यादातर फौज इस पूर्वी पाकिस्तान की ओर डिप्लॉयड है, और यहाँ राजस्थान के जैसलमेर जिला में एक जगह है लोंगेवाला, उस लोंगेवाला में केवल और केवल 120 फौजी हैं, और अगर पाकिस्तान ने सोचा कि 120 फौजियों को हम रातों रात मार देते हैं तो उस समय
एयरफोर्स रात में लड़ाई नहीं कर सकती थी, इसलिए इन्होंने लोंगेवाला में एंट्री मार दी पूरी भयानक, टैंक लेकर, फौज लेकर, इन्फेंट्री लेकर, और उसको वो लोग लोंगेवाला में घुसने के लिए चल दिए। और लोंगेवाला में भारत के पास केवल 120 सिपाही थे, केवल 120, और उन पर वो हजारों की संख्या में टूट पड़े। लेकिन घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि चींटियां तादाद में कितनी भी क्यों ना हो जाएं, गन्ना घसीट के नहीं ले जा सकती हैं। लोंगेवाला में जो ड्यूटी थी उस समय कुलदीप सिंह चांदपुरी जी का, कुलदीप सिंह चांदपुरी सरदार हैं, आप देखे होंगे बॉर्डर मूवी में इनका रोल सनी देओल ने किया है। अब ये कुलदीप सिंह, ये भैया पंजाबी सिख, अब ये लोग 1.25 लाख से नीचे कुछ सोचते ही नहीं है। चिड़िया नू में बाज लड़ावा, गिदड़ नू में शेर बनावा, और 1.25 लाख नू एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम रखावा। खबर आया कि आपसे जो लड़ने आ रहे हैं ना पाकिस्तान की ओर से, वो ब्रिगेडियर तारिक मीर आ रहा है, उसके पास टैंक है, 2800 फौज है, और बहुत ही तेज रफ्तार से आ रहा है। आपके पास केवल 120 जवान है कुलदीप सिंह, आप पीछे हट जाइए, आप पीछे हट जाइए, क्योंकि आपको हम ना, आप बहादुर हैं इसमें नो डाउट, लेकिन आप कैसे लड़िएगा उतनी भयानक फौज के पास ही। यहाँ उन्होंने कहा खालसा सिख है, नहीं हट सकते हम, हम दिखा देंगे कि हम 120 भी उन पर क्या पड़ेंगे, भारी पड़ेंगे। इनके पास ना ही टैंक को उड़ाने के लिए कोई संसाधन थे, टैंक को मारने के लिए एक जीप पर लगा हुआ छोटा सा तोप था, और इनके पास 3 माइंस लगे थे। माइंस, माइंस समझते हैं आप लोग, टैंक जो होता है ना बम, उसको उड़ाने के लिए माइंस लगाए जाते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये है माइंस, ये माइंस होते हैं, इस पर अगर टैंक चढ़ता है ना तो टैंक ब्लास्ट कर जाता है। तब इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने क्या किया, जो खाली रेगिस्तान था ना उसमें ना आगे की ओर 3 ओरिजिनल माइंस को लगा दिया, और जो खाना खाने वाला टिफिन होता है ना चार खंधे वाला, इसे उस टिफिन को इन लोगों ने रातों रात ना बिछा दिया ऐसे लाइन से। देखिए लाइन से पाकिस्तान की टैंक आई, तो शुरुआत में तो भैया ओरिजिनल माइंस था, धाम से लगा, पाकिस्तान की टैंक उड़ गई, पाकिस्तान का एक टैंक उड़ा, फिर दूसरा उड़ा, तीसरा उड़ा, पाकिस्तानी एकदम डर गए सब। ब्रिगेडियर तारिक मीर कहें कि भैया यहाँ तो माइंस लगा के रखा है इन लोगों ने, एक काम करो इंजीनियरों को बुलाओ, पूरा माइंस निकालो। अब ब्रिगेडियर जो हमारे मेजर कुलदीप सिंह थे, ये जानते थे कि बाबू अगर हम तुमको रात भर रोक दिए ना तो सुबह हमारी एयरफोर्स आएगी, तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगी, इसलिए इन्होंने पूरा टिफिन बिछाया था। इन पाकिस्तानियों ने 6 लगा दिए उनको निकालने में, इंजीनियर आते थे तो डर के मारे टिफिन निकालते थे, अरे बाप रे बाप, और टिफिन में तो ईटा पत्थर भर देते थे, और डर के ले जाते, अरे भागो भागो भागो, माइंस है माइंस है। इसको लगाते लगाते इन लोगों ने पूरी रात बिता दी, 3 बज गया, 3 इनको पूरा सन्नाटा दिखा कि भैया ये तो टिफिन है, ये रेगिस्तान में ये तो टिफिन है। अब उन्होंने कहा कि आदेश दिया कि हमला करो, तो कुलदीप सिंह जो थे चांदपुरी, उन्होंने बालू के बीच में ऐसे गड्ढे बना रखे थे, और अपने फौजियों को ना 2 किलोमीटर एरिया में बिछा दिया था, एक उधर एक इधर एक इधर, तो चारों ओर से फायरिंग होती थी। पाकिस्तानियों को लगी ना कि भैया हमको गलत इन्फॉर्मेशन मिल गया है, 120 गो मिल के ऐसे थोड़े मारेगा सब, सोच रहा उधर से गोली इधर से गोली, धड़ाधड़ बम गोला दारू सब चल रहा है यहाँ पर, इतना भयानक कहीं कोई 120 आदमी मिल के ऐसे मारता है, नहीं भाई इतना भयानक, सुनसान एरिया में कहाँ से कौन मार रहा है, एकदम तबाही मचा दिया। कुलदीप सिंह चांदपुरी ने क्या तबाही मचाया था आप देखना चाहते हैं तो देखिए उन लोगों ने क्या तबाही मचाया था। ये है पाकिस्तान का टैंक, ये धज्जी उड़ गया था टैंक का, थुथुर तुर दिया इसका यहाँ पे, ये देखिए टैंक का, पाकिस्तानी देख रहे हैं कि भैया सब चक्का होकर फेंका गया। बताइए ये चांदपुरी साहब कैसा करना चाहिए, ये कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं, मार के धज्जी उड़ा दिया। अरे पाकिस्तान बच्चा है, अपने बच्चा है, बिगड़ गया आराम से मारिए, ऐसे एकदम धज्जी उड़ा दिए हैं बेचारा सबको। पाकिस्तान के टैंक को धज्जी उड़ा के उस पर भारतीय सैनिक खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहा था, फोटो खींचे फोटो खींचे, उस समय सेल्फी नहीं था ना, आगे से फोटो खींचना, फोटो खींचे, यहाँ पे आने वाली पीढ़ियों को ये प्रेरणा देगी। बताइए इतना सुंदर गाड़ी लेके आया था पाकिस्तान मारने के लिए, हाँ बेचारा ऐसे मारा जाता है, हाँ अरे ब्रिगेड मेजर साहब आप भी बच्चा है, बच्चा को थोड़ा आराम से मारिए, देखिए इसका थोबड़ा बिगाड़ दिया गाड़ी का, ओहो ऐसे नहीं मारना चाहिए, लेकिन क्या कीजिएगा बच्चा बिगड़ जाता है तो धोना ही पड़ता है। ये हाल कर दिया रात भर में, सोचिए रात में इतना बुरा मारा, दिन में दिखता तो पूछ डाल रहा पूरा, एकदम भयानक तबाही मचा दिया मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने। इनके आगे कौन खड़े थे, ब्रिगेडियर पाकिस्तान के ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर साहब को कहने लगे भैया ये तो बहुत बुरा मार रहा है सब,
तब तक हो गया सुबह। सुबह के वक्त हमारे जो हंटर जहाज थे, उस समय जो जहाजे थी वो हंटर जहाज थी। ये हंटर जहाजे रात में नहीं उड़ सकती थी, लेकिन दिन में उड़ सकती थी। रात भर तक कुलदीप सिंह चांदपुरी ने ऐसा कूंचा पाकिस्तानियों को, इतना कूंच दिया कि भोर हुआ तो बाकी का कसर पूरा कर दिया हमारे हंटर विमानों ने। ये हंटर विमान जब आए सब तो इतना भयानक तबाही मचाए सब पाकिस्तान के जहाजों का कि आप हुलिया देखेंगे ना, पाकिस्तान के टैंक का ऐसे पड़ गया, ऐसा टैंक पूरा तबाह हो गया, सब पूरी तरह ध्वस्त हो गया इतनी भयानक युद्ध में। 3 तारीख को पाकिस्तान ने हमले की शुरुआत की और ये 4 तारीख का शकल देखिए पाकिस्तान का, इतना भयानक धज्जी उड़ा दिया पाकिस्तान का जिसका कोई हद नहीं। पाकिस्तानियों को दुम दबा के भागना पड़ा, ब्रिगेडियर साहब भागे, कहें कि भाग भैया न तो ये सब जान ले लेगा सब। हम लोगों ने पाकिस्तान के टैंकों को अपने यहाँ रख लिए हैं म्यूजियम में, आज भी जाके देखिएगा ना तो इन टैंकों को डर के मारे पाकिस्तानी छोड़ के भाग गए कि भागो भाई यहाँ पर। ये 120 जवानों का जलवा था। और पाकिस्तानी कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग क्या लड़ेंगे, अरे भैया हम चीन यार, मैं इंडिया गई ना तो मैं ये वाले टैंक क्लास में देख के आऊंगी कसम से। वीडियो बनाए थे आप पे नहीं बनाए थे, जो आप लोग हम लोग को बोल रहे थे कि पाकिस्तान हिंदुस्तानियों की औकात नहीं। देखिए अभी हम आपको औकात दिखाते हैं आपकी, ये आपका टैंक है, आके ले जाइए, हिम्मत है तो लेके जाके दिखाइए। यहाँ पर हाल तो ये हो गया था ना कि हम लोगों ने जो पाकिस्तानियों की जान ली थी ना, डर के मारे वो लाश उठाने नहीं आए थे, लाश को गिद्ध खा गए थे सब। हम लोग बोल रहे थे कि भैया हम गोली नहीं चलाएंगे, लाश लेके चल जाओ, हम नहीं जाएंगे, तुम लोग रेगिस्तान को कब्रिस्तान बना दिए हो, रेगिस्तान को कब्रिस्तान। हम लोग हमला करने आए थे, शुरुआत तो तुमने किया था यहाँ पे, तो ये गिद्ध खाए थे सब, सफाई उफाई का काम ये किए थे सब। अब पाकिस्तान हम लोग को धमकी देता है, आज भी वो नहीं सुधरे हैं। आज भी हमने जो चाइना पे वीडियो बनाया था उस पे वो हमको धमकी देता है कि भारत की आर्मी कुछ नहीं कर सकती। अरे भैया आप सोचिएगा भी मत, अभी के समय में तो मत सोचिएगा, जानते हैं क्यों, देख लीजिए इधर अभी कौन बैठा है भारत में, समझ में आ रहा है। आप लोग तो पहले पाकिस्तान वाले लोग इस बात पर रिसर्च कीजिए कि इनमें ज़्यादा खतरनाक कौन है आपके लिए। हमको तो यही ज़्यादा खतरनाक लगते हैं भाई, समझ में आया आप लोग को। तो अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पर पाकिस्तान ने जो हार हुई थी लोंगेवाला में, ये हार में पाकिस्तान की तो कमर टूटी और पाकिस्तान का पूरा मनोबल टूट गया कि ससुरा 120 गो मिल के ऐसे कैसे धो दिया सब, बताइए इतना भयानक धोया जाता है। तो ये शुरुआत तो इन्होंने किया 3 तारीख को, 4 तारीख को हमने धो दिया। अब बचा नेवी, नेवी कही कि भैया आर्मी को मौका दिए, एयरफोर्स को मौका दिए, रात में आर्मी धोई, सुबह में एयरफोर्स धोई, हम नहीं धोएंगे क्या, हम भी धोएंगे। नेवी कब पहुंची, 5 दिसंबर 1971 को कराची पहुंच गए, और कराची में जब पहुंची ना तो कराची को तबाह कर दिया, इतना भयानक बम्बार्डमेंट किया कराची पर कि कई दिन तक कराची बंदरगाह पर आग लगा था। और कराची बंदरगाह को तो उन्होंने ऐसा धज्जी उड़ाया जिसे लग रहा था सिंधु सभ्यता बना दिया उनको। तो पाकिस्तान की, पश्चिमी पाकिस्तान का कमर टूट गया। पाकिस्तान वालों ने कहा कि ससुरा सब बोल रहा था सर कि हम इधर डिफेंसिव है, यानी ज़्यादा हमला नहीं करेंगे, ज़्यादा हमला इधर करेंगे, ससुरा इधर कैसे मार रहा होगा सब, अभी इधर भी बताते हैं कैसे मारा सब। ये कराची पहुंच गया, आप देखेंगे क्या हाल किया था सब कराची पे। कराची में जब मारा गया था ना इन पाकिस्तानियों को, तो ये पाकिस्तानी भाग गए थे सब ग्वादर में, ये ग्वादर भाग गए, अभी इनसे ग्वादर भी जाने वाला है, पूरा राज्य चला जाएगा इनसे बलूचिस्तान, छुप के गए थे लोग ग्वादर बंदरगाह पे। अगर हम झूठ बोल रहे हो तो आप खुद पता कीजिएगा अपने यहाँ के इतिहास में भाई, हिंदुस्तान, ये ग्वादर बंदरगाह पे छुप गए थे सब। आप देखिए कराची का क्या हाल हुआ था उस समय, हमारे एयर नेवी ने क्या हाल किया था, पाकिस्तान का जितना जहाज बस मिल जाए कि भैया ये जहाज किसका है, तो भैया जब पता चले कि भैया ये जहाज पाकिस्तान का, ये हाल हो जा रहा था जहाज का, यहाँ देख लीजिए इनका पूरा ध्वस्त कर, भैया ऐसे मारा जाता है, हाँ अरे भाई बच्चा को बच्चा की तरह मारना चाहिए, इंडिया की नेवी ने भी हद कर दिया, बताइए इस तरह मारा जाता है, हाँ यहाँ देख लीजिए पूरा का पूरा धज्जी उड़ा दिया इन लोगों को। अरे भाई बच्चा है, बिगड़ गया है तो थोड़ा सा आराम से ना मारिएगा, कि देख रहे हैं इस तरह से मारा पूरा पाकिस्तान के, कराची बंदरगाह उड़ गया। तो पाकिस्तान का तो इधर से तो पूरा का पूरा धज्जी उड़ा दिया। अभी शुरुआत हुए युद्ध के, केवल 2 दिन हुए हैं, आप दिल थाम के रखिए, अभी युद्ध लंबा चलने वाला है। 3 दिसंबर को स्टार्ट किए, 4 दिसंबर को हम लोग लोंगेवाला धो दिए, अब 5 दिसंबर को कराची। अब पाकिस्तान ने ना भारतीयों को तबाह करने के लिए भारत का सबसे खतरनाक जहाज था INS विक्रांत, INS विक्रांत को बर्बाद करने के लिए ना इसने यहाँ से भेज दिया INS PNS गाजी को। गाजी एक पनडुब्बी थी, उसको आदेश दिया गया कि जाके मार के आओ, किसको, विक्रांत को, क्योंकि अगर विक्रांत जहाज डूब जाता तो वाकई उस समय हमको युद्ध जीतने में बहुत दिक्कत आ जाती।
तो ये गाजी कैसे डूबा, इसको हम लोग एगो खराब जहाज से मार दिए। तो अब इधर समझते हैं कि जब उधर इतना भयानक धोए तो इधर कितना बुरा धोए होंगे, इसको बारे में हम लोग समझते हैं। भारतीय सेना अब पूरब की ओर क्या क्या काम की इसको ध्यान से समझ। ये मुक्ति वाहिनी जो थी बांग्लादेश की, वो अंदर ही पाकिस्तानी फौजियों को मार रही थी गली कुची में दौड़ा दौड़ा के, क्योंकि इन पाकिस्तानी फौजियों ने वहां पर रेप किया, मर्डर किया, और इनका साथ दे रही थी इधर से हमारी इंडियन आर्मी और ऊपर से हमारा एयरफोर्स। ये तबाह कर दिए थे, इनको भागने के लिए भी जगह नहीं था। और इसी में इनका सबसे बड़ा सरदर्द बन गया था इंडियन नेवी, क्योंकि इनको जो मदद थी, देखिए ये पूर्वी पाकिस्तान है, इनको मदद जब भी मिलेगी तो इधर से ही मिलेगा। अब बताइए यहाँ से तो कोई जाएगा नहीं, बेवकूफ़ भी नहीं होगा जो इधर से मदद करने जाएगा, रास्ते में ही एयरफोर्स मार के गिरा देती थी, ट्रक वगैरह जाएगा नहीं, तो नेवी से ये इन लोग मदद देते थे। भैया यहाँ पे जो इनके फौजी लड़ रहे थे उनको खाना पीना भी खत्म हो गया था। अब इनको बर्बाद कर दिया भारत INS विक्रांत। INS विक्रांत उस समय का बहुत बड़ा जहाज था इस साउथ एशिया के देशों का, और यहाँ से उस इतना बड़ा जहाज था कि उसके ऊपर से लड़ाकू जहाजें उड़ती थी, वो एयरफोर्स यहाँ से भी बम मारता था, मिसाइलें मारता था, ऊपर से लड़ाकू जहाजें और हेलीकॉप्टर छोड़ देता था जो ताकि मुक्ति वाहिनी को कोई दिक्कत ना आए। मुक्ति वाहिनी मारती थी और आर्मी पूरी तरह से उसने यहाँ से हमारा विक्रांत ने चटगांव बंदरगाह को तबाह कर दिया। अब बांग्लादेश का देखिएगा वर्तमान में, उस समय तो पूर्वी पाकिस्तान था, ये चटगांव उस समय पाकिस्तानी आर्मी नेवी का एक बहुत बड़ा केंद्र था। इधर हम लोग ने उड़ा दिया कराची, इधर उड़ा दिया हम लोग ने चटगांव। अब मुक्ति वाहिनी को कोई खास दिक्कत नहीं आ रहा था। अब पाकिस्तान ने कहा कि हर हाल में इस विक्रांत को बर्बाद करो। देखिए ये विक्रांत है, विक्रांत जहाज जो था इस पे से इसके ऊपर देखिए आपको लड़ाकू जहाजें दिखेंगी। PNS गाजी को क्या आदेश दिया गया था भाई कि तुमको जाना है और इस विक्रांत को बंगाल की खाड़ी में जाने के बाद इसी में डुबा देना है। अब पाकिस्तान वालों का इतना दिन तो अच्छा था नहीं, भारतीय खुफिया एजेंसी को पता चल गया कि पाकिस्तान की पनडुब्बी, वो समुंदर के अंदर अंदर चलती है, उसको साइलेंट किलर कहा जाता है, पाकिस्तान की पनडुब्बी चल दी है पश्चिमी पाकिस्तान से बंगाल की खाड़ी की ओर, ये अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर चल दिया। अब विक्रांत को बचाना हर हाल में जरूरी था, इसलिए हम लोग विक्रांत को छुपा दिए, मतलब थोड़ा सेफ्टी दे के रखने लगे। और इस PNS गाजी जो था, PNS गाजी को देखेंगे, PNS का मतलब था पाकिस्तानी नेवल शिप, PNS गाजी, ये मारने आ गया किसको, विक्रांत को। इस PNS गाजी को अगर कोई मार के डुबा सकता था तो वो था INS राजपूत। लेकिन ये जो INS राजपूत आप इमेज में देख रहे हैं, ये उस समय समस्या क्या था इस INS राजपूत के साथ, क्योंकि इसके इंजन में कुछ खराबी आ गई थी और ये बिगड़ गया था, और बिगड़ के इसको विशाखापट्टनम पे बनाया जा रहा था, रिपेयर किया जा रहा था, इंजन ही गड़बड़ हो गया था। तो भारतीयों का यहीं पे दिमाग काम आया, भारतीयों ने सोचा क्यों ना हम PNS गाजी को खुद बुला के लाएं, कहाँ पर, विशाखापट्टनम पे। तो लोगों ने कहा कि भैया ये आएगा विशाखापट्टनम में कि आओ INS राजपूत हमको मार दो, तो कहा कि नहीं देखिए कैसे आएगा। भारतीयों को पता था कि हिंदुस्तान में पाकिस्तानियों के कुछ ना कुछ जासूस होंगे और वो पाकिस्तान को पल पल की खबर दे रहे होंगे। भारतीयों ने क्या किया, INS विक्रांत के जितने भी अधिकारी थे उनसे कहा कि आप लोग अपने अपने घर फोन कीजिए कि हम विशाखापट्टनम आ रहे हैं, तुम लोग हमारी हमको छुट्टी मिला है, विशाखापट्टनम में 10 दिन रुकेंगे, हमारे लिए तुम लोग खाना पीना अच्छा से बनाओ। लड़कों से उन लोगों को खबर खिला दिया। विशाखापट्टनम में जितने मछुआरे थे उनको कहा गया कि आप लोग हट जाइए, बहुत बड़ा जहाज आने वाला है, बहुत बड़ा जहाज विक्रांत आ रहा है यहाँ पे, आप लोग खाली कर दीजिए, INS विक्रांत आ रहा है। यहाँ पर क्या किया गया, ऑर्डर दिया गया बहुत सारे फल सब्जी अंडा ब्रेड कि भैया ये इतने बड़े जहाज के लिए जा रहा है, 6 महीने का खाना चाहिए। ये खबर आग की तरह फैल गई पाकिस्तानियों को, और पाकिस्तान में खबर लग गई कि भैया INS विक्रांत यहाँ नहीं है, INS विक्रांत विशाखापट्टनम पे है। अरे बकलोलवा, विशाखापट्टनम पर PNS गाजी की मौत, यमराज इंतजार कर रहा था INS राजपूत। ई गधा जो था PNS गाजी, ये मुड़ गया किधर की ओर, विशाखापट्टनम की ओर, और विशाखापट्टनम पर चुपचाप शांति से खड़ा हुआ जहाज INS राजपूत इंतजार कर रहा था। तो पानी के अंदर अंदर आओ, ये अभी बाहर निकला हुआ है, पानी के अंदर रहती है। और फिर INS राजपूत देखा कि ये आ रहे हैं, वो INS राजपूत को मारता कि इससे पहले ही INS राजपूत मार के तबाह कर दिया PNS गाजी को। PNS गाजी पर को डूबने के बाद पाकिस्तान को बहुत बड़ा सदमा लग गया। पाकिस्तान को यह एहसास हो गया कि अब हम कभी नहीं जीत सकते,
क्योंकि ये पीएनएस गाजी अमेरिका से खरीदा हुआ एक बहुत ही शक्तिशाली पनडुब्बी थी जिसे कोई डुबा नहीं सकता था, और हम लोगों ने उसको इस जहाज से डुबाया जो जहाज खराब हो चुका था, जिसका इंजन खराब था। भारतीय सेना का मोराल पूरे सातवें आसमान पर था और पाकिस्तानी दिन पर दिन बर्बाद हो रहे थे। अब पाकिस्तानियों को लगा अब क्या करेंगे, तो पाकिस्तानियों ने अमेरिका में फोन किया, भैया आप कुछ कीजिए। तो अमेरिका ने ना यूएनओ में मुद्दा उठा दिया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद, इसमें कह दिया पूर्वी पाकिस्तान पर जुल्म कर रहा है, मार रहा है। तो रसिया उस समय हमारा साथ दिया, कहा कि तू देर जानता है जुल्म कर रहा है, भारत जो कर रहा है सही कर रहा है, हम इस प्रस्ताव के खिलाफ में वीटो करते हैं। वीटो अगर कोई देश, पांचे देश को वीटो है, इस पर अलग चर्चा करेंगे, अगर किसी ने वीटो कर दिया तो वो प्रस्ताव रद्द हो जाता है। तो पाकिस्तान की एक और उम्मीद यहाँ पर अपना दम तोड़ दी। अब पाकिस्तान कहा अमेरिका से कि भैया आप ही हमको बचा लीजिए। तो अमेरिका ना भारत, पाकिस्तान के की ओर से भारत पर हमला करने के लिए अपना सबसे खतरनाक जहाज भेज दिया, सातवां बेड़ा। देखेंगे सातवां बेड़ा को, अगर इतना भयानक था सातवां बेड़ा, ये अमेरिका का साथ अकेले चलता ही नहीं था, इतनी पूरी फौज के साथ, नेवी के साथ चलता था। ये किस लिए आया था, विक्रांत को डुबाने के लिए, और इसका साइज विक्रांत से डबल था, इसके आगे विक्रांत नहीं टिक पाता। अब इंदिरा गांधी भी टेंशन में रह गई, ले तब उस समय इंदिरा गांधी को याद आया कि भैया हमारा एक और तो हम समझौता करके आए हैं, अगर अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे सकता है तो रूस से हम भी तो समझौता करके आए हैं। तो भारत ने रूस को कहा कि भैया अमेरिका इतना भयानक सातवां बेड़ा भेज दिया, आप हमारी मदद कीजिए। तो रूस ने कहा है टेंशन क्या लेते हो, देखो हम बोलते हैं। रूस ने परमाणु पनडुब्बी भेज दी और रूस ने अपना 40वां बेड़ा भेज दिया। आप देखेंगे ये रूस का 40वां बेड़ा है, ये अपने भारी भरकम जहाजों के पूरे ग्रुप के साथ चल दिया, कहा कि चल भैया देखते हैं तुमको कौन मारेगा भारत को। और अमेरिका को सीधा कह दिया कि भैया विक्रांत पर अगर आपने हमला किया तो ये हमला हम रूस पर हमला मान लेंगे। यहाँ पर खड़ा था भारत का विक्रांत और उसकी सपोर्ट में खड़ा था रूस का 40वां बेड़ा। और अमेरिका, रूस ने यमन से अपनी एयरफोर्स को भी कह दिया था कि भैया तुम भारत की देखभाल करना, तो भारत की सुरक्षा के लिए इतने लोग। और अमेरिका अपना सातवां बेड़ा लेके यहाँ मुंह देख रहा था, और ब्रिटेन ने भी अपने ईगल। तो गाइस काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, ये वीडियो जो है ना, मतलब लाइक मैंने सारी देख ली थी, और उसके बाद अभी जो 10 मिनट का आई थिंक सो वीडियो रह गई है, और वो जो है ना उसके अंदर जो चीज़ें एक्सप्लेन हुई वो लास्ट वीडियो के अंदर भी वही सारी चीज़ें एक्सप्लेन हुई हैं। और इसके अंदर न्यू चीज़ें ये थी कि बांग्लादेश की औरतों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ, और मैं वो चीज़ें अपने मुंह से दोबारा रिपीट भी नहीं कर पा रही, लिटरली मुझे इतना उन लोगों के लिए सैड फील हो रहा है, ठीक है। और नहीं, वाकई पाकिस्तानी ये चीज़ अच्छी नहीं की उनके साथ, इतना जुल्म कौन किसके साथ करता है भाई, मतलब औरतों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे बुरा हुआ, और लोगों के साथ तो डेफिनेटली उनको आज़ादी का हक था, ठीक है, और इंडिया ने उनका साथ दिया उस टाइम पे जब लाइक बांग्लादेश के ऊपर, जब मतलब लाइक पाकिस्तान का ही हिस्सा था, तब इतनी चीज़ें बुरी हो रही थी अपने मुल्क के लोगों के साथ, मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो रही है क्योंकि वो लैंग्वेज डिफरेंट थी, उनका स्किन कलर डिफरेंट था, तो ये चीज़ तो वाकई गलत है, ठीक है। और दूसरी चीज़ के इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया कि उन लोगों को जो है वो लिबरल कर दिया, उनको आज़ाद करवाया, अदरवाइज वो यही सारी चीज़ें बेचारे सहते रहते हमेशा की तरह। और आई एम हैप्पी फॉर बांग्लादेश के वो मतलब आज़ाद हो गए, और इंडिया ने मतलब एक स्टेप फॉरवर्ड किया और इंडिया आगे बढ़ा, ठीक है, और उनको जो है वो सिक्योर किया, और इंडिया ने अपना बहुत बड़ा दिल दिखाया, क्योंकि कौन किसकी लड़ाई में पड़ता है यार, ठीक है, मर रहे हैं तो ठीक है, उनका अपना ही मुल्क है, उनके अपने मुल्क के अंदर लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, हम क्यों ये चीज़ करें। लेकिन उस टाइम पर इंदिरा गांधी जी ने जो है वो ये चीज़ अपने दिल से ये चीज़ फील की कि लोगों के साथ बुरा हो रहा है तो मुझे करना चाहिए, और उन्होंने ये चीज़ नहीं किया कि उसको इंडिया का ही हिस्सा बना ले, ठीक है, हमने आज़ाद कराया तो हम इंडिया का हिस्सा बना ले, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं आप अलग रहो, आप आजाद हो, ठीक है, आप जो है वो बांग्लादेश बनाना चाहते हो तो आप बनाओ। तो ये चीज बहुत अच्छी थी, बहुत जो एक बड़ा डिसीजन जो है वो इंडिया ने बहुत ही अच्छा बांग्लादेश के लिए लिया, और बांग्लादेश को इतना हेल्प आउट किया, मुझे बहुत इस चीज को लेकर इंडिया के लिए मैं खुश हूँ कि इंडिया भाई बहुत अच्छे अच्छे काम करता है, और बांग्लादेश को जो है वो आज़ाद भी करवाया, सारी चीज़ें हुई। तो गाइज आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर दीजिएगा, चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।